हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी चैनल गोल्डन लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि आपको चने की भाजी को बिल्कुल बारीक काटना बताऊंगी कि इसको किस तरह से काटते हैं, क्योंकि चने की जो भाजी होती है जितनी बारीक कटी होती है उतनी ही वो अच्छी बनती है। हालांकि भाजी काटना तो मुझे भी नहीं आता, बट मेरी मम्मी आज आपको बताएंगी कि भाजी कैसे काटते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चने की भाजी काटने के लिए सबसे पहले तो आपको भाजी के जो बड़े बड़े से डंठल होते हैं उनको अलग कर लेना है, और आपको इस तरह से अपनी मुट्ठी में लेना है भाजी की पत्तियों को। और सबसे पहले आपको बीच से कर लेने हैं इसके दो पीस। और आपको एक बात बता दूं, भाजी हमेशा हसिया से ही कटेगी, चाकू से इतनी अच्छी नहीं कटती है, महीन बहुत मोटी मोटी कटती है। अब आपको बिल्कुल इसको टाइट बांध करके मुट्ठी में पकड़ करके बहुत ही कम स्पेस रखना है, और आपको धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से काटते जाना है। और आपको जैसे ही आप एक दो बार कट कर लें, फिर अपनी मुट्ठी को करें एकदम से टाइट और भाजी को पकड़े ज़ोर से। और मैं इसके लिए आपको एक बात बताऊंगी कि आपका हसिया जितना अच्छा चल रहा होगा उतनी अच्छी भाजी कटती है। आपको बीच बीच में इसको दबाते जाना है, और बाहर के जो रेशे से निकले रहते हैं भाजी के उनको भी साथ में अच्छे से दबा लेना है। इस तरह से भाजी बहुत आसान है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर बीच में एक दो डंठल से आ भी जाएँ टुकड़े, तो आप तुरंत उसको अलग करते जाइएगा। इस तरह से आपको भाजी काटनी है। आप एक दो बार ट्राई करेंगी, कोशिश करेंगी तो भाजी काटना सबको बन जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को भाजी काटते नहीं बनता है या बहुत मोटी भाजी काटते हैं। तो भाजी की सबसे यही ट्रिक होती है कि एकदम ज़ोर से पकड़ करके जितना आप स्पेस कम देंगे, ये देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस तरह से भी आप जहाँ ज़्यादा की ओर निकल जाए तो ऊपर नीचे की आप काट करके अलग करें। फिर एक लेवल लाना है कुल मिला के इसमें, और आपको इस तरह से काटते हुए आपको अपनी भाजी काटनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी महीन भाजी कटी है। तो ये चने की भाजी में यही खासियत होती है, जितनी महीन कटेगी उतनी अच्छी बननी है, अगर मोटी होती है तो अच्छी नहीं बनती है। तो आप काटने के बाद जब आपकी सारी भाजी कट जाए तो आप इसको एक बार ऊपर के जो थोड़ी बहुत डंठल चले ही जाते हैं, चाहे जितनी कोशिश करें, तो उसको आप अलग कर लीजिएगा, बीन लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी चने की भाजी को खुद ट्राई करके खुद ही काट सकती हैं। बस याद रखना है कि आपको इसको हसीये से ही काटना है, चाकू से ये नहीं कटती है। पालक वगैरह तो कट जाती है, लेकिन भाजी काटना बहुत ही मुश्किल है, चाकू से कट ही नहीं सकती इतनी अच्छी भाजी। तो आपको इस तरह से आपको भाजी कट करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा एक जो है बार की हमने जो भाजी ली थी वो हमारी कट चुकी है। अब हम जो भाग बचा है इसको हम उसी भाजी में फिर से मिला देंगे, और फिर नए सिरे से, और इस तरह से आप अपनी भाजी को पूरा कट कर सकते हैं।